नमस्कार। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ। इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान पर भी पड़ा। दरअसल 2 साल पहले कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार ने लिया था। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसके बारे में पिछली सरकारें सिर्फ सपने में सोचा करती थी, क्योंकि असल जिंदगी में इसे अमली जामा पहनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कई बड़े बदलाव हुए। एक ऐसे ही बदलाव की तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आई है श्रीनगर के लाल चौक से। लाल चौक घंटाघर काफी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर जब जब तिरंगा फहराए जाने की खबर सामने आई, उसके साथ साथ विवादों की खबर भी आती रही। लंबे वक्त बाद श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये चौक तिरंगे के रंग से सराबोर नजर आया। दरअसल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में खासे इंतजाम किए गए हैं। इसी के मद्देनजर श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर तिरंगे के रंग से रोशन हो गया। ये सब हो पाया प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। पीएम मोदी ने ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको याद दिलाते चले कि साल 1992 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने इसी चौक पर तिरंगा फहराया था। जोशी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे और मोदी एकता यात्रा के संयोजक थे। सामने आई इस खूबसूरत तस्वीर की हर तरफ चर्चा हो रही है। बीजेपी के भी कई नेताओं ने इसको साझा करते हुए तारीफ की। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसको साझा किया और लिखा, वो कहते थे लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे, मोदी जी ने लाल चौक ही तिरंगा कर दिया। श्रीनगर के मेयर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल चौक स्थित घंटा घर को तिरंगे के रंग में रोशन किया है। नई घड़ियां लगा दी गई हैं। श्रीनगर नगर निगम ने अच्छा काम किया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।